और अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा वाला लेंस कैसे यूज करना है। जो जो दूसरा लेंस है ये बहुत टाइम से रखा हुआ है, और कौन सा कलर है, ये हेजल है दोस्तों। इसका रैपर वगैरह नहीं है मेरे पास, बहुत टाइम से ये रखा है, तो इसे मैं अब रखी हूँ बहुत टाइम से, तो मुझे अब यूज करना है। तो मैं इसे कैसे यूज करती हूँ मैं आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले मुझे इसमें से ये लेंस निकालना है, ये देखना है कि ये राइट का है कि लेफ्ट का है। तो ये राइट आइज का है, इसको मैं निकालूंगी इस तरह से। अच्छे से देखो आप, इसको निकालना है आपको अपने हैंड पे, इस तरह से लेना है। आपका हैंड भी क्लीन होना चाहिए, मैंने जैसे बताया कि हर बार हैंड वॉश होना चाहिए, यूज करते समय भी और निकालते समय भी। इस पे इस तरह से थोड़ा सा ड्रॉप डालूंगी मैं इसे, और इसको अच्छे से ऐसे साफ कर दूंगी ऊपर नीचे, और मैं अपने आइज में इसे यूज करके अभी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये क्लीन हो गया, बहुत टाइम से ये रखा है ना। तो इसके ऊपर ना एक लेयर सी जमना स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए इसको अच्छे से वॉश करना होता है। ये मैंने इसे वॉश कर लिया, अब इसे क्लीन कर देते हैं, इसका सारा पानी अच्छे से वो कर देते हैं। अब मैं इसे अपने आईज में आपको लगा के दिखाती हूँ कि कैसे लगाते हैं। आपको इस तरह से अपने फिंगर टिप पे लेना है बहुत अच्छे से, इस तरह से जैसे मैंने ये लिया है, कितना आसान है ना लगाना। ये अगर सब लगाते हो आप लोग, यूज करते हो लेंस, तो आसान लगता है, वैसे एक या दो बार में ये अच्छे से लग जाता है। देखिए कैसा लग रहा है। अब मुझे निकालना है लेफ्ट आईज का। अब ये पानी जो है ना, देखो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा ना अंदर से गंदा हो रहा है, आप देख सकते हो। इसे मैं फेंक दूंगी, दोबारा से सॉल्यूशन डालूंगी, फिर उसमें लेंस रखूंगी। तो अब मैं ये लेफ्ट वाले आइस का निकाल रही हूँ। देखो मुझे आदत है, इसीलिए कोई पानी नहीं आ रहा है मेरी आइज में। देखो अगर आपको आदत नहीं है तो आ सकता है, आपका हैंड क्लीन नहीं है तो भी पानी आ सकता है, आँखें रेड हो सकती हैं। तो प्लीज़ हैंड वॉश जरूर कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये देखिए मैं ये दूसरा वाला लेंस निकाल रही हूँ, इसको मुझे अपने सेकेंड आईज में यूज़ करना है। थोड़ा सा सॉल्यूशन मैं इसमें डालूंगी, वैसे ही अच्छे से इसको क्लीन करना है बिल्कुल। इस तरह से देखो, इसमें थोड़ा सा पानी आ रहा है, देख सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसकी डिब्बी को ऐसे टच किया था और उसी हाथ से इसको लगा लिया है, तो थोड़ा बहुत किरकिरी होगी। अगर ऐसा होता है, आपको बहुत देर तक किरकिरी फील होती है, आंखों में कुछ चुभन होती है, आपको इसे लेना है अच्छे से और अपनी आंखों में ऐसे जैसे ड्रॉप डालते हैं, आइस ड्रॉप डालते हैं, उसको उस तरह से डाल देना, और ये धुल जाएगा, जो भी गंदगी होगी वो आपकी आंखों से निकल जाएगी। तो देखो इस तरह से, कंटिन्यू पानी आता है, आपको कुछ सेकंड के लिए अपने आईज को क्लोज करके रखना है और पानी आना बंद हो जाएगा। इसमें से नहीं आ रहा है, इसमें से आ रहा है, तो बस ये रेडनेस है थोड़ी सी, थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगा। अगर आप अपनी आंखों को क्लोज करके थोड़ी देर रख देते हो तो मैं आपको थोड़ी देर में आपको भी दिखाती हूँ, थोड़ी देर में मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। कैसा लगा आपको, ये अच्छा लग रहा या वो अच्छा लगा? तीन आई लेंस है मेरे सिलेक्टेड है, जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, रेगुलर नहीं, कभी कभी मेरे को शौक लगता है, ऐसा नहीं कहीं जाना होता है, नहीं, ऐसे ही कभी कभी लगा के देखती हूँ कैसा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है। थैंक यू। देखिए ये बिल्कुल फिट हो गया ना,
अब इसे निकालना है, मैंने निकालना आपको सिखा दिया है। अगर पूरा सारे लेंस लगाना और निकालना दोनों बताऊंगी ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप देखोगे नहीं। तो अब मैं आपको ना सेकंड वाला लेंस लगा के दिखाती हूँ और इसको निकाल के वापस से इस वाले डिब्बी में एयर करके देती हूँ, फिर दूसरा लेंस लगाती हूँ और वो दिखाती हूँ। दोस्तों अब ये है थर्ड लेंस जो कि देख सकते हो, ये है, ये थोड़ा डार्क ग्रे है, ये विजिबल होता है, बहुत अच्छे से दिखता है और मुझे ये लगाना अच्छा लगता है। तो ये रखा हुआ है आई थिंक 1 मंथ के अराउंड हो गया। जो मैंने अभी लास्ट लगाया था ना इस वाले लेंस को तो लास्ट नवंबर या दिसंबर में मैंने यूज़ किया था, तब से रखा था और मैंने लगाया, आपने देखा कोई इंची नहीं, कोई जलन नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है और लेंस भी बिल्कुल अच्छा है। तो इस तरह से अगर आप अच्छे से लेंस को मैनेज करके चलते हो ना, केयर करते हो ना, तो कोई भी चीज़ हो केयर मांगती है, अगर आप बहुत अच्छे से केयर करते हो तो वो लॉन्ग टाइम चल जाता है। देखो मैंने इसको उसमें से निकाला है, इसको अच्छे से साफ़ करना होता है, ऐसे बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रगड़ना होता है, अपने फिंगर टिप से करना होता है, नेल्स नहीं रगड़ना चाहिए, ये कट जाएगा, ये पन्नी सी होती है, थोड़ा सा भी कहीं से कट गया तो ये ख़राब हो जाएगा, फिर आपको इसे यूज़ नहीं करना है। थोड़ा सा भी अगर इसमें क्रैक है ना तो इसे बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, इसको अच्छे से इस तरह से वॉश करना है जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसी तरह से ये डार्क कलर है, ये बहुत अच्छे से दिखता है, जैसे एक नेचुरल लेंस होता है नहीं दिखता हो तो ये दिखेगा। अगर आपको इस तरह का लेंस पसंद है तो आप इस तरह से ले सकते हो। देखो ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, लेंस लगाने से क्या होता है आपकी आईज ना बड़ी दिखती हैं और खूबसूरत, तो लगाना आना चाहिए। अगर आप लगाना पसंद करते हो तो एक या दो दिन प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। और मैं अब सेकेंड लेंस निकालती हूँ, इसको भी वॉश कर लेती हूँ और फिर उसके बाद इसे यूज़ करती हूँ। देखो मैंने इसको इस तरह से वॉश किया है, इस तरह से आपको फिंगर टिप के ऊपर ऐसे रखना है, थोड़ा सा इसमें जलन हो रहा है, इसमें कुछ नहीं हुआ है, इसमें हल्का सा जलन यूं हो रहा है कि मैंने दोनों हैंड यूज किया था शायद, इसलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है, एक ड्रॉप आपको लेना है। आंखों में इस तरह डालना है, दो बार अपनी आंखों को झपकाइए, इस तरह से वॉश हो गया, जुकाम हो गया लेंस यूज करते करते, जब पानी आता है ना आंखों में नोज भी आने लगती है, ऐसे लग रहा है मुझे कोल्ड हो रहा है, फील हो रहा है। पांच मिनट में, हद से हद 10 मिनट में बिल्कुल आईज आपकी नॉर्मल हो जाएगी, आप नॉर्मली देख सकते हो नॉर्मली। दोस्तों आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी तरह से। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।